दिस इज योर क्लास ऑफ अकाउंटिंग सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट. दिस इज योर चैप्टर पार्टनरशिप रिटायरमेंट. टुमारो यू हैव योर ग्रैंड टेस्ट एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इंशाल्लाह. सो इफ यू हैव क्यूरीज स्टिल यू कैन आस्क मी. टुडे आई विल डिस्कस लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस विद यू पीपल एंड आई डोंट थिंक सो इट विल बी मोर ट्रिकियर फॉर यू बिकॉज यू पीपल हैव डन सफिशेंट क्वेश्चंस ऑफ रिवैल्यूएशन गुडविल एंड बोनस. And once again, I would like to discuss with you that we have different methods of retirement. कुछ students जो अभी भी इस चीज़ को नहीं understand कर चुके हैं एंड कर सके हैं, वो please अपने पास go through कर लें कि हमारे पास partnership retirement जो है वो 6 ways से solve होता है. वो 6 ways क्या हैं आप लोग के पास है? Sale, transfer, withdrawal, then revaluation, bonus and goodwill. मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोग के पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं वो गुडविल, बोनस और रीवैल्यूएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, रीवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा आता है और उसके साथ आपके पास बोनस, गुडविल कोई भी एक पार्ट में आता है या फिर हमने अभी तक सेल ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स आया है पार्टनरशिप में रिटायरमेंट में. ठीक है, ट्रांसफर एंड विड्रॉवल इट्स नॉट येट इन योर पास्ट पेपर्स बट यू शुड स्टिल प्रिपेयर फॉर योर एमसीक्यूज क्योंकि आप लोग की कोविड की वजह से आप लोग के पेपर पैटर्न आई थिंक सो इट विल बी मोर और लेस बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नॉट दैट मच इन डिटेल. सो जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो बेसिकली आपकी अगर अच्छी होगी, आपने टॉपिक अगर सही समझा हुआ होगा तो आपके आंसर्स एक्सट्रैक्ट करने में आप बहुत अच्छे होंगे. ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करते हैं. मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आप लोग के साथ आज डिस्कस करूँगी. यू मस्ट हैव योर पास्ट पेपर्स विथ यू और एग्जाम क्वेश्चंस विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक एंड आई विल फॉलो इट. दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑफ असलम, मुबीन एंड जावेद. And girls, kindly open your books of accounts. If it is given, then I'll let you know because I have extracted this question from your past papers and from the book. I haven't extracted yet from your book, but again, let me find it out. This is wait for a while. Okay. I still don't remember. If any one of you have find it out, then kindly do make me a hand raise and you can tell the page number to your class fellows. I am unable to get it right now. Okay. We have participation section. Mariam Sahab. Yes, Mariam. We have the question for the partnership retirement. द क्वेश्चन मैंने अगेन आप लोगों को बताया है फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव आपने क्वेश्चन को फ्रॉम द स्टार्ट से रीड करना है सो दैट कोई भी ऐसे ट्रिकी पॉइंट है वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए. वी हैव 3 पार्टनर्स हेयर, द असलम, मुबीन एंड जावेद. यू मस्ट हैव योर हाईलाइटर्स विथ यू ताकि आप लोग अपनी बुक्स पे इसको हाईलाइट कर सकें. दिस इज अवेलेबल ऑन योर बुक पेज नंबर 195, 195. दिस इज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर बुक्स ऑफ पेटी वाला सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट. ठीक है, असलम, मुबीन एंड जावेद आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस 400,000, 360,000 एंड 480,000. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:4. दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो प्रॉफिट रेशियो है उसको हमें हाईलाइट करना होता है एंड देन वी हैव टू फोकस विच पार्टनर इज रिटायरिंग. जावेद इज रिटायरिंग और रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो कितना होगा? 480. ठीक है, तो ये आपके पास सारा डाटा आ गया. जावेद इज द रिटायरिंग पार्टनर, हिज कैपिटल इन द फर्म इज 480,000. ही इज हैविंग अ रेशियो इज 5:3:4 एंड वॉज पेड 520, सॉरी 420. ठीक है, एंड ही वॉज पेड 420 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. हम जब एसेट्स इसके रिवैल्यूड कर रहे हैं तो उसको हम कितना पे करके भेज रहे हैं? 420. अब यहाँ पे प्लीज अपने माइंड में आपने रखना है कि आपने गेन एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करना है बिकॉज व्हाट दे हैव गिवन यू, इन्होंने आपसे गुडविल और बोनस नहीं पूछा है. इन द रिक्वायर्ड दे गिव यू रिकॉर्ड एंट्रीज इन द जनरल जर्नल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन स्लैश लॉस. इसका मतलब आपको गेन और लॉस कैलकुलेट करना है किस पे? ऑन रिवैल्यूएशन पे. सही है,
तो इससे पहले हम गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करते थे, हम यूजली एडजस्टमेंट्स बनाते थे और फिर उसके बाद हम एक लेजर बनाते थे और लेजर बनाने के बाद हम उसका गेन और लॉस इवेल्युएट करते थे। डेट वॉज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग रीवैल्यूएशन। यहाँ हम उन्होंने हमें क्या दिया है, या उन्होंने आपको गुडविल और बोनस की तरह दे दिया है कि उसका प्रीवियस कैपिटल 480 है जो कि वो फॉर्म में लेके आया। जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ बेटा, यहाँ देखिएगा 480 उसका प्रीवियसली कैपिटल है और हम इसको कितना पे कर रहे हैं, 420। सही है, तो हमने 480 को 420 से लेस किया एंड देन वी विल गेट द अमाउंट कि हमारे पास मिस्टर जावेद को फायदा है या नुकसान है। जब वो फॉर्म में आए थे तो 480,000 लेके आए थे और जाते वक्त 420 लेके जा रहे हैं, तो ये लॉस टू मिस्टर जावेद है। ठीक है, अब जब वो जाते वक्त कम पैसे लेके जा रहा है तो अपने पास कॉन्सेप्ट ये रखिएगा कि वो दूसरों को दे के जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड, जब उसका अपना कैपिटल स्टार्ट में 480 था और जाते वक्त वो 420 लेके जा रहा है, इसका मतलब वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको पैसे दे के जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि जावेद के पास करंटली कितने का लॉस हुआ, 60,000 का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने जावेद का रेशियो एक्सट्रैक्ट करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिस्टर जावेद, जावेद का रेशियो क्या है, जावेद का रेशियो है बेटे 4। जावेद का अपना रेशियो क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ जावेद कितना है, 4। ठीक है, यही स्पेलिंग है ना जावेद की, हाँ जी, रेशियो ऑफ जावेद इज 4। फिर हमारे पास क्या है, सम ऑफ रेशोज इज 5 + 3 + 4 = 12। ठीक है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू कि सबसे पहले आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ जावेद इज 4, सम ऑफ रेशियो इज 12, वो कितनी अमाउंट लेके जा रहा है, 60,000, और आपको टोटल अमाउंट ले जो दूसरों को वो दे के भी जाएगा ना, जावेद के पास लॉस तो हुआ 60 को, अब 60 में से वो कितने दूसरे पार्टनर्स को दे के गया, तो हमने टोटल अमाउंट निकालनी है 12, सॉरी इसका अपना रेशियो 4/12 है, इसको आप जना मल्टीप्लाई करेंगे 12 से एंड डिवाइड करेंगे 4 से, रेसिप्रोकल अप्लाई कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अप्लाइंग रेसिप्रोकल। ठीक है, आई रिपीट कि हम दोबारा से क्या कर रहे हैं जनाब, हमने सबसे पहले इसको, वेट, आपने कहा जावेद के पास 480 थे, 420 हमने उसको जाते वक्त दिए, उसको लॉस हो रहा है 60,000 का क्योंकि वो 60,000 कम लेके जा रहा है। अब वो जो कम लेके जा रहा है, इट मीन्स ही हैज पेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब उसने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कितने पैसे दिए, इन दिस वे हमने निकाला इसका रेसिप्रोकल करके, 60,000 हम इसको रिवर्स करेंगे, इन्होंने डिवाइड लिखा है, मल्टीप्लाई 12/4 करेंगे या डिवाइड 4/12 करेंगे, सेम थिंग। ठीक है, 12/4 एंड देन यू विल गेट द वैल्यू दैट विल बी योर 180,000। काइंडली कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज, आप लोग मेक द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। क्लियर, ओके, नाउ आई प्रोसीड फर्दर। व्हाट दे हैव डन, दिस इज द कैपिटल ऑफ जावेद इज 480, वी हैव पेड देम 420, रिवैल्यूएटेड अमाउंट इज 60,000, इट इज अ लॉस फॉर जावेद एंड द रेशियो ऑफ बोनस इज 4/12, और जब आपको टोटल अमाउंट निकालनी है तो आपने 60,000 पे इसका रेसिप्रोकल अप्लाई किया एंड देन यू विल गेट द अमाउंट इज 180,000। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, हमने क्या अमाउंट निकाली है आफ्टर रिवैल्यूएशन, एसेट्स कितने के रिवैल्यूड हुए, हमारे पास टोटल अमाउंट आई है 180। ठीक है, जो कि उसने दूसरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जो रिवैल्यूएशन की अमाउंट आई है। रिवैल्यूएशन में हमारे पास लॉस हुआ है एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में हमारे पास क्या होता है, कैपिटल विल बी डेबिटेड। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जनरल एंट्री क्या बनती है बेटे आप लोग के, कैपिटल विल बी डेबिट एंड रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये पता नहीं क्या हो रहा है जनाब,
सी कैपिटल करना है और हमें इसके आर को छोटा करना है, ठीक है? दिस इज योर इवैल्यूएशन। नाउ ऑल योर पार्टनर्स, द रिवैल्यूएशन अमाउंट इज 180। यू हैव टू अप्लाई दियर फ्रैक्शंस। किस तरह करेंगे आप लोग? आप लोग के पास सिंपल है, आपने इसके फ्रैक्शन अप्लाई करना है। 180,000 या आपकी वर्किंग है जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12 एंड देन डिवाइड, सो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मिस्टर असलम। साइमल्टेनियसली यू विल गेट द वैल्यू 180,000। ये तो आप लोग को सब आता ही होगा बेटे, 180,000 मल्टीप्लाई 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? एंड देन यू विल गेट द वैल्यू। व्हाट विल बी योर वैल्यूज? द वैल्यूज इज 75, 45 एंड देन 60, क्लियर? ये मेन एंट्री थी, जिससे हमें ये पता चलना था कि द टोटल अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन क्या है। द रेसिप्रोकल ऑफ 60,000 4 अपॉन 12 इज योर 180। अब ये 180 हमारे पास टोटल लॉस ऑन एसेट्स था, जिसमें से सिर्फ मिस्टर जावेद ने कितना लॉस बियर किया था? 60,000 लॉस बियर किया था, ठीक है? सो लॉस विल मेक द कैपिटल ऑफ जावेद रिड्यूस्ड। नाउ अब रिटायरिंग पार्टनर की जनरल एंट्री क्या होती है? रिटायरिंग पार्टनर की जनरल एंट्री आपके पास थी, कैपिटल विल बी डेबिट एंड कैश विल बी क्रेडिटेड, ठीक है? ये आपके पास रिटायरिंग पार्टनर की जनरल एंट्री है। मिस्टर जावेद ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। उसका प्रीवियसली कैपिटल कितना था जो वो फर्म में लेके आया था जनाब? क्वेश्चन में जो कैपिटल था 480 उसका कैपिटल है, जो कि उसका करंट कैपिटल वो फर्म में लेके आया था। उसके बाद जावेद का कैपिटल जर्नल एंट्री में आपने चेक करना है कि उसका कैपिटल डेबिट हुआ है विद द अमाउंट ऑफ 60,000। 480 माइनस 60,000, ये भी आपकी एक वर्किंग है। यू हैव टू शो दिस एंड दिस इज योर मेन जर्नल एंट्री। अब आपके पास अमाउंट आ गई है 420 एंड कैश विल बी 420, क्लियर? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट द ट्रिक इज दैट दे मिक्स द क्वेश्चन ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में यहाँ आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दी, उन्होंने आपको बोनस और गुडविल के कॉन्सेप्ट से गेन और लॉस निकालना बताया। हमने सिंपली क्या किया है, हमने सिंपली उसकी जो करंट वैल्यू ऑफ द कैपिटल गिवन है, मैं आपको एक दफा और उसका रिविजन दे देती हूँ। हमारे पास जो कैपिटल वो फॉर्म में लेके आया था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वो 480 था, जाते वक्त आपने उसको 420 दिया, जिससे हमें ये पता चला कि उसको लॉस जनरेट हुआ है, वो कम पैसे लेके जा रहा है। जब भी पार्टनर अपने फॉर्मेशन के जो कैपिटल है उससे कम पैसे लेके जाएगा, इसका मतलब वो दूसरे पार्टनर्स को पैसे दे के जा रहा है। इंडिविजुअली जावेद को जो सिर्फ लॉस हुआ वो 60,000 का हुआ, क्लियर है? अब वो टोटल किस अमाउंट पे से लॉस सफर कर रहा है, दूसरों को पैसे दे के जा रहा है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इस चीज को इवेल्यूएट किया कि टोटल जो लॉस जनरेट हुआ था एसेट से वो 180 का था। आपने उन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की, ये आपने लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री बनाई है, और योर कैपिटल्स विल बी डेबिटेड, रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड, ठीक है? जब आपके कैपिटल डेबिट हो गए, इट मीन्स दिस अमाउंट विल बी लेस फ्रॉम द कैपिटल ऑफ मिस्टर जावेद। मिस्टर जावेद अपना फॉर्म में कैपिटल लेके आया था सेकेंड एंट्री में 480,000, जो कि आपने लेस कर दिया है 60,000, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डेबिट है, और जो क्वेश्चन में जब उसने कैपिटल लेके आया था तो ये आपके क्रेडिटेड कैपिटल्स होते हैं, सही है? सो योर कैपिटल हेयर इज लेस, दिस इज योर डेबिटेड कैपिटल, दिस इज योर क्रेडिटेड कैपिटल एंड द अमाउंट इज 420 एंड दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ योर रिटायरिंग पार्टनर, विच इज वेरी इजी। यस, नाउ आई एम हेयर। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस इज योर उमर महमूद एंड आफाक। दिस इज अगेन फ्रॉम योर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13। जी बिल्कुल, आपको बुक पेज नंबर 195 पे नजर आएगा। दिस इज योर 2014 क्वेश्चन, उमर महमूद एंड आफाक बट इक्वल पार्टनर्स। आपको क्या चीजें इसमें हाईलाइट करनी है? दे आर इक्वल पार्टनर्स एंड हैविंग द कैपिटल बैलेंसेस। आपने एक तो उनके इक्वल होने पे, यानी इनका रेशो क्या है, 1:1:1 इनका रेशो होगा बेटे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने कैपिटल उस पार्टनर का हाईलाइट करना है जो कि आपका रिटायरिंग पार्टनर होगा, ठीक है? देयर कैपिटल्स आर 60,000, 80,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। नाउ उमर रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप, उमर पार्टनरशिप से जा रहा है। अब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल कितना है? 60,000, आपने वो हाईलाइट करना है। रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, इसका मतलब महमूद और अफाक क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं।
बिफोर रिटायरमेंट ऑफ उमर, उमर के रिटायरमेंट से पहले एसेट्स आर रीवैल्यूड, एसेट्स को हमने रीवैल्यूड किया है और हमें गेन हुआ है। देखिए इन्होंने आपको गेन एंड लॉस भी कैलकुलेट करके दे दिया। एसेट्स रीवैल्यूड हुए हैं और हमें गेन हुआ है 30,000 का, एंड वो ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपने अच्छे से एक गेन की जर्नल एंट्री बनानी है, जो कि वो खुद ही कह रहे हैं ट्रांसफर हुआ है कैपिटल अकाउंट पे। अब रिक्वायर्ड पे आती हूँ। प्रिपेयर द जर्नल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आपने इन एसेट्स की रीवैल्यूएशन की एक जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। एंड देन सेकेंड केस में दे गिव यू द रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ उमर इफ ही पेड 90,000 कैश फ्रॉम द फर्म रिसोर्सेज। यहाँ आपने एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि अगर हम फर्म को यानी उमर को सॉरी 90,000 कैश दे के उसको रिटायर कर रहे हैं, तो आपने उसको बोनस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। पहले हम रिवैल्यूएशन को देख लेते हैं, पार्ट ए को, और आपने यहाँ पे उमर का कैपिटल अपने माइंड में रखना है। पार्ट ए द रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इन पार्ट ए वी हैव द रिवैल्यूएशन एज इट इज अ गेन जर्नल एंट्री। तो गेन की जर्नल एंट्री कैसे बनती है बेटे, हमेशा हम लोग गेन की जर्नल एंट्री को गो थ्रू कर चुके हैं। इन गेन, क्योंकि गेन से कैपिटल इंक्रीज होता है, तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन है वो हमेशा क्या जाएगा, डेबिट पे, ठीक है। एंड देन हमारे पास कैपिटल्स विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। अब कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, व्हाई द कैपिटल इज क्रेडिटेड व्हेन वी हैव गेन, क्योंकि गेन से कैपिटल इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन कैपिटल विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द गेन। हमने कहा रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड, थ्री ऑफ द पार्टनर्स उमर महमूद एंड अफाक विल बी क्रेडिटेड। गेन की ऑलरेडी वैल्यू आपको उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास, वेट कीजिएगा, यहाँ पे गेन की वैल्यू आपको 30,000 ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स डेट काइंडली आप लोग क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो आपके जो भी करंट क्लास में हमने 2000 अभी 12 सॉरी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस किया, 2014 का रेगुलर, देन मैं 2014 का प्राइवेट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो ये दोनों क्वेश्चन आपकी क्लास में हो भी जाएंगे और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाई साइड होगी। अच्छा जी, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी इसकी कैलकुलेशंस को, ये आपने वर्किंग में शो करना है। अगेन आपके पास गेन कितना आ रहा है, आपके पास 30,000 इज योर गेन, ठीक है। आपने उसको मल्टीप्लाई करना है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्टनर उमर, उमर एंड महमूद एंड अफाक दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो इक्वल पार्टनर्स मीन्स देयर रेशियो इज 1:1:1, इक्वल होते हैं। हमने मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 एंड देन वी विल गेट द वैल्यू दैट विल बी योर 10,000, ठीक है। अच्छा मैं एक दफ़ा आप लोग को ये बात और लिख देती हूँ यहाँ पे, पॉइंट टू रिमेंबर में, हमारे पास थ्री ऑफ द पार्टनर्स दे आर इक्वल, ठीक है, देयर रेशियो इज 1:1:1, सही है, जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है दे आर इक्वल पार्टनर। तो सबसे पहले आपके पास जो पार्टनर है वो है उमर, देन वी हैव महमूद, देन वी हैव अफाक, ठीक है। अब इनके रेशो की बात करती हूँ, तो इनका रेशो क्या बना, 1:1:1, ठीक है। एक कॉलन बीच में आ रहा है, हद तक मैं इस टू की साइन लगाना चाह रही हूँ, बस समटाइम इट्स कॉलन समटाइम इट्स इस टू, ओके। सो दिस इज योर स्मॉल वर्किंग जो आपने केस वन सॉल्व कर लिया है, होप सो नो डिफिकल्टी इन दिस। देन वी हैव पार्ट टू, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द रिटायरमेंट फॉर मिस्टर उमर इफ ही पेड 90,000। हमने 90,000 उमर को देना है, उसका कैपिटल कितना था बेटा, 60,000 था। 60,000 उसका कैपिटल था, 90,000 हमने उसको दिए हैं। बट अगेन उमर को जो 60,000 उसका कैपिटल है, यहाँ पे उमर को कितना गेन हुआ है, 10,000, ठीक है। तो आपने उमर के पास क्या करना है, जब गेन उसको हुआ तो यहाँ पे आपने 60,000 उसका पुराना कैपिटल था प्लस, सॉरी प्लस क्यों नहीं आ रहा, हाँ प्लस 10,000 आपने उसका गेन, तो डैट विल बी योर 70,000, क्लियर। यानी उसके पास अपना फॉर्मेशन के टाइम पे 60,000 थे, 10,000 हमने उसको गेन जब रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा है पार्ट ए में पहले रिवैल्यूएशन हो चुका है, एसेट्स रिवैल्यूड हो गए हैं, तो डेफिनेटली उसको गेन मिल चुका है। गेन मिला, 10,000 उसके पास आए, 70,000 विल बी द कैपिटल ऑफ उमर, करंट कैपिटल उसका 70 हो गया। अब हमने केस बी में कहा कि हम उसको 90,000 दे के फर्म से रिटायर्ड कर रहे हैं, देन व्हाट आई विल डू, मैंने उसके 70,000 में से माइनस कर दिए 90,000, ठीक है।
एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 20,000। क्लियर? आपने इसको वर्टिकल शो करना है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करी है। 70,000 उसके थे, 90,000 हम उसको दे के भेज रहे हैं। क्या हम उसको ज्यादा दे रहे हैं या कम? यस, उन्होंने आपको ये भी बोला है कि आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें, बोनस मेथड। सही है? अब जब हम बोनस मेथड यूज करेंगे और आपके पास 20,000 आएगा, इट मीन्स 20,000 विल बी द बोनस, वेट, बोनस टू उमर। उमर को बोनस मिला है क्योंकि जाते वक्त वो ज्यादा पैसे लेके जा रहा है। लेके आया था 70,000, जब फर्म से जा रहा है तो उसको 90 मिल रहा है। इसका मतलब उमर को बोनस कितना मिल रहा है बेटा? 20,000। बोनस कौन देता है? फर्म देती है या पार्टनर्स देते हैं? यू ऑल नो दिस थिंग कि बोनस हमारे पास पार्टनर्स देते हैं। बोनस विल बी गिवन बाय पार्टनर्स। ठीक है? अब उसके बाद आपने एक जर्नल एंट्री बनानी है जिसमें आप ये शो करेंगे कि बोनस किस तरह दिया जा रहा है उमर को। क्लियर है? एंड देन वन जर्नल एंट्री फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। वेट फॉर अ वाइल। अच्छा, इसकी एंट्री बनी भी नहीं है मेरे पास, काइंडली बना लीजिएगा एक बोनस की जनरल एंट्री। जो आपके पार्टनर्स होंगे, उमर, नहीं उमर तो जा रहा है, महमूद एंड अफाक विल बी डेबिटेड एंड उमर विल बी क्रेडिटेड 20,000 और महमूद एंड अफाक उसको 10,000 देंगे। सो महमूद कैपिटल विल बी, मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, इट इज नॉट गिवन। आपके पास मिस्टर महमूद कैपिटल विल बी, सॉरी, कैपिटल विल बी डेबिट 10,000, देन अफाक भाई विल बी कैपिटल 10,000। दोनों ने 10,000 दिए हैं। हमारे पास उमर के पास कितने पैसे आए हैं? उमर को हमने बोनस दिया है 20,000। ठीक है, ये इन दोनों को थोड़ा इक्वल कर दूं मैं, और ये आपकी क्रेडिट की अमाउंट है, ये 20 है, मैंने शायद एक जीरो कम लिख दिया। ठीक है बेटे, दिस इज योर 20,000। यहाँ पे अगर कॉमा आ जाएगा, एक्चुअली कॉमा डालते हुए डर लगता है मुझे, द कीपैड इज नॉट दैट मच परफेक्ट। अच्छा जी, देन दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ द बोनस व्हिच इज गिवन टू उमर एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड वन जनरल एंट्री ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जब उमर फॉर्म से जा रहा है तो उसकी जनरल एंट्री आप फॉर्म करेंगे जिसमें कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट किस तरह होगा? आपने कैपिटल में लिखना है उमर कैपिटल, दिस इज द जनरल एंट्री फॉर द रिटायरमेंट, जिसमें आप ब्रैकेट में वर्किंग शो कीजिएगा 70,000। सही है, जो कि उसको पहले मिल चुके थे, प्लस 20,000 एंड देन 20 लिख रही हूँ ना, हाँ 20,000, देन बेटे कैश विल बी योर 90,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं 90 लिखना भूल गई हूँ, 70 प्लस 20, डेबिट में भी 90 लिख लीजिएगा, वो नीचे जा रहा है। ठीक है, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, उमर कैपिटल विल बी डेबिटेड 70 प्लस 20 एंड देन कैश विल बी 90,000। सो दिस इज अगेन द जनरल एंट्री फॉर द बोनस एंड द रिटायरिंग पार्टनर जनरल एंट्री। होप सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव स्टिल क्यूरीज यू कैन आस्क मी। गो थ्रू दिस क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। मीन वाइल आई विल शेयर द वीडियो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14 विद यू पीपल। दिस इज द कम्प्लीट क्वेश्चन। आसिफ मजर एंड हसन मज पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 25%, 45% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज अंडर, दे हैव एसेट्स ऑन द डेबिटेड साइड एंड इक्विटीज ऑन द क्रेडिटेड साइड। देन वी हैव मिस्टर हसन, देन वी हैव मिस्टर हसन एडजस्टमेंट्स। Mr. Hassan is retiring partner. We have some adjustments of revaluation also. And at the end of the question, they have given you Hassan sold his entire interest to Mazhar. So this is another case जिसके अंदर आपके पास revaluation भी नजर आ रहा है और adjustments given है, तो revaluation होगा। ठीक है, और आपके पास sold का case भी है। Clear? So this is all for today. I am very much thankful to you all that you people have joined the class and listened to the lecture. Now, best of luck for your test and practicing. Inshallah, we will start the next chapter soon. Okay.